अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव ने सरकार से राइस मिलरों पर सारी शर्तें पिछले साल वाली ही लागू करने की मांग की है। दरअसल राज्य सरकार धान खरीदकर राइस मिल वालों को चावल निकालने के लिए देती है, इसे लेकर कई तरह की शर्तें लागू हैं। उन्होंने कहा है कि किसान की धान खरीद की नमी में 17% व चावल में 15% की छूट पहले की तरह ही होनी चाहिए। इसी तरह राइस मिलरों को चावल ब्रोकन की छूट 25%, डैमेज व डिसकलर की मात्रा 3% होनी चाहिए। अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव ने राइस मिलरों, आढ़तियों व किसानों से बातचीत करने के बाद ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि राइस मिलों में धान देने से पहले हरियाणा सरकार को मिलरों को लिखित में देना चाहिए कि इसकी क्या शर्तें होंगी, उसके बाद में सरकार को उसमें किसी प्रकार का बदलाव करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर सरकार ने फैसले में बदलाव किया तो 1350 राइस मिलर तुरंत हड़ताल पर चले जाएंगे, क्योंकि हरियाणा सरकार कह रही है कि अगर केंद्र सरकार धान के बदले चावल लेने के नियम में कोई बदलाव करेगी तो राइस मिलरों को उस बात को मानने के लिए मजबूर होना होगा। ये सरासर गलत है। केंद्र सरकार के फैसला बदलने से के अधिकार वाली बात की वजह से राइस मिलर व्यापार करने से डरा हुआ है। उन्होंने कहा है कि सरकार मिलिंग चार्ज 10 रुपये प्रति क्विंटल राइस मिलर को दे रही है, जो कि बहुत कम है। सरकार को मिलिंग चार्ज कम से कम 70 रुपये प्रति क्विंटल देना चाहिए। इसी तरह 100 किलो धान के बदले में सरकार राइस मिलरों से 67 किलो चावल ले रही है, जबकि 100 किलो धान में 64 किलो चावल लेना चाहिए। हकीकत यह है कि 100 किलो धान में 64 किलो चावल से ज़्यादा नहीं निकलता है। सरकार को धान के बदले में चावल देने के व्यापार में मिलरों को नुकसान हो रहा है। सरकार को 100 किलो धान के बदले 64 किलो चावल राइस मिलरों से लेने का नियम बनाना चाहिए, ताकि राइस मिलर नुकसान से बच सके। धान मंडी में आ चुका है, इसलिए तुरंत प्रभाव से खरीद शुरू करनी चाहिए। खरीद शुरू ना होने की बजाय किसान धान 1650 रुपये क्विंटल में निजी सेक्टर को बेचने के लिए मजबूर है, जबकि MSP रेट 1960 रुपये है। इससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव ने आरोप लगाया है कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने के नाम पर कुछ सरकारी अधिकारी किसानों से अवैध वसूली कर रहे हैं। यहाँ तक कि सर्वे के नाम पर हजारों किसानों के पोर्टल से नाम काट दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।